नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में विषय विज्ञान में प्रथम पाठ हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि पदार्थ, हम कोई वस्तु देखते हैं जैसे कि जल है, मिट्टी है, वायु है, या घर में भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, वस्तुएँ पाए जाती हैं। तो हमारे मन में ये सवाल होता है कि ये पदार्थ किस तरीके से बने हैं। तो पदार्थ होते क्या हैं? प्रत्येक वस्तु जो स्थान लेती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। स्थान घेरती है, घेरने का अर्थ हो गया उसका आयतन, उसका आयतन, और द्रव्यमान का अर्थ हो गया उसका घनत्व या भाग। यानी जो वस्तु स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को हम पहचान करने के लिए, पदार्थ की पहचान करने के लिए कि ये पदार्थ है, उस पदार्थ के भौतिक लक्षण क्या होंगे? सबसे पहला हो गया पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ किस से मिलकर बना होगा? कणों से मिलकर बनता है। जैसे कि हम शरबत बना रहे हैं, तो शरबत में क्या ले रहे हैं? नाम तो शरबत है, पदार्थ का नाम क्या है? शरबत। लेकिन उसमें कौन कौन से कण ले रहे हैं जिससे वो मिलकर शरबत बनता है? क्या क्या लिया? शक्कर लिया, जल ली, और उनको मिलाया तो वो क्या बना? शरबत। तो इसमें कण कौन कौन से हो गए? जल हो गया, शक्कर हो गई। उसके बाद में है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जब जल के अंदर शक्कर को डाला तो उसके कण क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। यानी जल के अंदर जो रिक्त स्थान होगा वहाँ पे शक्कर के कण मिल जाएंगे और निरंतर क्या करेंगे? गतिशील रहेंगे। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक पदार्थ लिया अपने लोहे की चुंबक और दूसरे पदार्थ लिया अपने लोहे की एक लोहे की कीली और दूसरी क्या ली? चुंबक। अगर इन दोनों को आपस में रखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। ऐसे ही घर में अपन अगरबत्ती जलाते हैं, धूप करते हैं, तो उसका जो धुआं है वो क्या होता है? उसकी जो खुशबू है वो फैलती है और उसकी खुशबू अपनी ओर हमको क्या करती है? आकर्षित करती है। फिर है पदार्थ के प्रकार। पदार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ यानी एक ही घटक या तत्व से बने होते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही घटक पाया जाता है या तत्व पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। जैसे जल, जल क्या है? एक ही घटक है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, तो वो क्या हो गया? शुद्ध पदार्थ। जैसे सोना। अशुद्ध पदार्थ दो या दो से अधिक घटकों से बने हुए होते हैं, ये क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। जैसे मिट्टी और वायु। वायु में हम देखते हैं घटक के रूप में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, आदि प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। और मिट्टी के अंदर क्या पाया जाता है? अनेक प्रकार के कण पाए जाते हैं, चुंबकीय कण भी पाया जाता है, मिट्टी के कण पाए जाते हैं, कंकर पत्र पाए जाते हैं। यानी ये किस प्रकार का है? अशुद्ध। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? पांच अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टीन। तो हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ तीन अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस। मैंने क्या किया है, इन तीनों का अंतर भी बता दिया साथ में और इन तीनों को समझा भी दिया। अगर जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अंतर बताइए या फिर ठोस, द्रव, गैस में अंतर बताइए, तो आप किस तरीके से बता सकते हैं? और अगर
पॉइंटर दिखा रही हूँ। इस पॉइंटर को देख के आप क्या बताओगे? इतना ही बताएंगे हम कि ये लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये ठोस है, द्रव है या गैस है। तो इसके लक्षण देखेंगे, लक्षण क्या देखेंगे? इसकी आकृति देखेंगे, इसकी आकृति क्या है? निश्चित है। या गेट का उदाहरण लें तो घर में गेट बनाएंगे तो उसकी आकृति क्या होगी? निश्चित होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक ठोस पदार्थ है। फिर उसका आयतन लेंगे तो आयतन उतना ही होगा जितना अपन गेट का मैप होगा उसी हिसाब से। फिर देखेंगे कि ये फैलता है या नहीं, इसमें विसरण करने की शक्ति है या नहीं। नहीं, इसमें विसरण जो लकड़ी है या कोई भी ठोस पदार्थ है उसको आप फैलाओगे तो क्या वो फैलेगा? नहीं फैलेगा। तो फिर क्या है? विसरण देखेंगे। फिर उसकी संपीड़ता देखेंगे। संपीड़ता का अर्थ हो गया उसको दबाना, दबाव डालना। और अगर दबाव डालेंगे तो क्या ठोस में दबाव डाला जाता है? क्या अगर मैं इस लकड़ी पे दबाव डालूंगी तो क्या ये दब जाएगी? नहीं, इसका मतलब ये क्या है? ठोस है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं आकार आकृति किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं की भौतिक आकृति देखने के लिए अपन को ये स्थितियाँ देखनी पड़ती है। इसका आकार आकृति घनत्व मिश्रण संपीड़ता आकर्षण बल। सबसे आकार है वो ठोस का क्या होता है? निश्चित होता है। और द्रव का क्या होता है? अनिश्चित होता है। और गैस का भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। यानी अनिश्चित अर्थ हो गया कि द्रव को आप किसी पात्र में डालोगे तो उसके अनुसार वो अपनी आकृति आकार ले लेता है। वही गैस के अंदर है, उसका आकार जिस पात्र में डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आकृति भी क्या है? निश्चित है। द्रव की क्या है? निश्चित। और गैस की क्या है? अनिश्चित। घनत्व इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, यानी उसका भार कहते हैं। तो घनत्व ठोस का तो क्या होता है? अधिक होता है। अपन ये उठाते हैं ना, भारी लगता है। वही है, आप देख सकते हो एक आप 5 किलो का वाट उठा रहे हो और आप एक जल उठा रहे हो एक बार में, तो कौन सा भारी होगा? वाट वाला क्या होगा? भारी होगा। तो ठोस का अधिक, द्रव का क्या होता है? ठोस से तो कम होता है और गैस से क्या होता है? अधिक होता है। फिर गैस में अत्यंत कम पाया जाता है, यानी घनत्व है वो गैस में क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। उसके बाद में मिश्रण, मिश्रण का अर्थ हो गया है फैलना। जैसे हवा में किसी प्रकार की कोई खुशबू है, जैसे मिठाई बनाते हैं और हमें खुशबू आ जाती है दूर बैठे ही, यानी वो खुशबू क्या है? मिश्रण हो रही है, फैल रही है। यानी मिश्रण ठोस अत्यंत कम, ठोस में अत्यंत कम होता है। मिश्रण द्रव में क्या होता है? ठोस से तो अधिक होता है और गैस से क्या होता है? कम। और गैस में क्या होता है? अत्यधिक। जैसे अभी मैंने बताया था ना मिठाई वाला उदाहरण, तो हमारे मोहल्ले में कहीं मिठाई बन रही है लेकिन खुशबू कहाँ तक आ रही है? हमारे घर तक आ रही है। वो उसकी जो खुशबू है वो वायु के साथ में ही हमारे श्वास तक आ रही है, यानी गैस में क्या पाई जाती है? अत्यधिक। फिर है संपीड़ता, संपीड़ता का अर्थ होगा दबाना। तो ठोस में क्या होती है? नगण्य। द्रव में बहुत कम मात्रा में अपन दबा सकते हैं, जल को दबा सकते हैं या नहीं दबा सकते। और इसको क्या होती है? अत्यधिक। फिर है आकर्षण बल। ठोस होता है उसके मध्य में कुछ अंतरा नुक आकर्षण बल पाया जाता है, यानी इसके अंदर क्या पाया जाता है? ठोस के अंदर मध्य उच्च अंतरा अणुक बल पाया जाता है। और द्रव में मध्य दुर्बल अंतरा अणुक बल पाया जाता है और गैस में किसी प्रकार का कोई बल नहीं पाया जाता है। ये डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि ठोस में आप देख सकते हो उसकी आकृति निश्चित है, आयतन भी इसका निश्चित है, मिश्रण करने की इसमें मिश्रण नहीं होता है, संपीड़ता इसको दबा नहीं सकते हैं, इसके अंदर आकर्षण बल